ऐसा मेरे को आप दोनों ने पसंद की शादी की थी बटा सकता है बटा सकता हाँ पसंद की शादी अच्छा ये बात बताना जरूरी है क्यों क्या होता है तो शादी हो गया तो उस दिन गुजर अगर हमारे हम ये वो बता देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा क्या रेडी पर लेकर आए थे बताया आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर से होंगे, अल्लाह से कम से बिल्कुल ठीक है। तो आज आई की शुक्र तभी शुक्र से आप लोग छोटे से रुका तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज्यादा शेयर करना। ब्रेक ब्रेक मेरी तरह अभी बहुत तेज बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो कुछ तो बोलती थी, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज बोलती है। नहीं ये वैसे ऐसा तो बोलती हूँ कभी कभी। पहले रोज दादी के साथ सलाम करता है, सोनिया के साथ कर रही हूँ क्योंकि अभी शाम का टाइम है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ इसका रीजन, ये हमारे साथ खड़े होकर क्यों सलाम करती है, इसका चैनल यूट्यूब किड्स में चला जाता है तो इसलिए पहले भी ये इशू आया, उन्होंने कहा कि आप अकेले इसको वीडियो ना बनाने क्योंकि अभी ये छोटी है ना, हमें किसी ना किसी की जरूरत हमें हमारी पड़ेगी कभी किसके साथ कभी किसके साथ, तो फिर अकेले बना सकती है जब बड़ी हो जाएगी। तो चैनल का थोड़ा इशू आता है क्योंकि वो बच्चों के ऊपर वो इशू लगाते हैं इस चीज़ का, इसलिए। तो अभी शाम का टाइम है, समा मैंने अभी नहाया जी, अभी नहा के आई है तो मैंने सिखाया है, इसने लेट गिरा आती इसने सो गई है स्कूल से आती इसको नींद आ गई थकी ए तो नींद की है फिर ना उठी हूँ फिर तो वैसे ही वहाँ पे जाके ऐसे मैं कहा सोती हूँ वहाँ पे फिर से नींद आ गई। मेरे बाल होते हैं ना इसलिए आगे के बाल पीछे थे। अच्छा हमें सब कहते हैं कि समाविया जो है ना वो आपकी तरह शक्लें देते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना मैं बिल्कुल समाविया की तरह थी, अब शक्ल चेंज हो गई है, पहले इसी की तरह शक्ल होती थी मेरी जैसी समाविया की है। नहीं वो मतलब थोड़ा सा लगता है ना रंग ज्यादा बग्गा है, वो इशारे कर रही है अभी क्या हो गया है के साथ खेल रही है जी। और अभी खाना वगैरह बना रहे हैं हम, पेपर बस एक रहता है दो रहते हैं, कैसे हो रहे हैं आज के कौन सा था पेपर आज, आज तर्जमतुल कुरान मजीद का था, तर्जमतुल कुरान मजीद का तर्जमा होगा हाँ वही अच्छा। अरबी भी अरबी का था, वो अरबी होती है उसका तर्जमा लिखना होता है वही था ना, वो इतना मुश्किल था ना, वो तो आसान होता है कल ना इंग्लिश का जुम्मे वाले दिन। अच्छा इंग्लिश आती है फिर आपको? हाँ आ जाती है। अच्छा नहीं आती इंग्लिश ना आए तो मैं सातवीं क्लास में तो है सातवीं तो हूँ हाँ अभी सातवीं पढ़ रही है ना, तो अभी वो कह रहे हैं कि आप मतलब कि अभी आपके पेपर होने तो एट क्लास में अब चली जाएगी ना, तो इसलिए अम्मी कह रही है कि सातवीं में, अम्मी को ये भी पता नहीं है अब सिक्स क्लास में पहले आई थी अब सातवीं में है ये भी पता नहीं है अम्मी को किस दुनिया में रहती हो। नहीं अम्मी सेवंथ क्लास में गई, नहीं सिक्स पढ़ गई थी पहले, सेवंथ में बैठी अम्मी सिक्स के पेपर देख सेवंथ में बैठी। चलो आपको जब पता नहीं है तो फिर क्यों आप इशू बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन सी क्लास में है, कोई पता भी नहीं है। अम्मी का ये चुन्नी वाल दुपट्टा जो ये कपड़ा पहना हुआ है यो हाँ बताऊँ इंडियन ड्रेस पहनाती रहती है उनको, ऐसे एक साइड पे ये बाजू निकला हुआ है एक साइड पे इसकी ड्रेसिंग है जी। ये देखो ये सामान है अमन के कागज है साड़ी देखो इधर कैमरा करो इधर कैमरा करो ये देखो ये नया अमन के ये क्या बनाया हुआ है, पानी ले आई है नींद आई है अभी हम बाहर जाते हैं बाहर का माहौल भी दिखाएंगे जाऊंगी मैं भी दिखाऊंगी मोबाइल दे।
मुझे तो बताओ सुबह की शुरू हुई है की वीडियो पूरी नहीं हुई अभी तक। हम समा में आधा घंटा लगाते वीडियो भी बना रही है फिर वो बोल नहीं सकती ना इतना सराह की बोलती है। दो एक एक मिनट का अब ऐसे मोबाइल उठा के ना टच करते हैं। आप लोग भी कह रहे थे कि आपने हमें बुको ना मैक लेकर दो इनकी आवाज नहीं निकलती। उस वक्त चलो आपको आपका एडमिशन कराते हैं सेवंथ क्लास में। चलो पढ़ लो की सेवंथ क्लास अब कैसे एक दो जमा पढ़ा ना आपके नाना से बड़ी जो है अच्छा उसकी बात कर रहे अम्मी की खाला। अम्मी की खाला होगी अम्मी की फूफो अबू की खाला अबू की खाला है अम्मी की फूफो होगी इस तरह की। अच्छा अच्छा वो मेरी जो दादी माती ना उनकी बहन है अब समझ आ गया वो सबसे बड़ी है अल्लाह पाक उनको अभी कोई कहता है कोई कहता है हम जल्दी मर जाए कोई भी नहीं कहता अभी तक भी जिंदा है। आपने आती नहीं यहाँ पे हमारे घर भी एक दो दफा आई है 46 चक में 46 अम्मी की जो मतलब इनका जो खानदान था ना सारा अम्मी का वहीं पे था। अम्मी का अबू का अम्मी का था अम्मी का था नानी मामा लेकिन हम इधर जल्दी आ गए थे। एक और से कहते दूर के से दोनों मुले रहे आपस में मामा मामू के बेटे हैं तो ये भी दोनों कजन है फूफो मामू के बेटे है ना इसलिए दोनों कजन थे आपस में। ऐसा अम्मी अबू आप दोनों ने पसंद की शादी की थी फटाफटा पसंद अच्छा पसंद ये जरूरी है क्यों क्या होता है तो शादी हो गया तो जिंदगी गुजर गई आज आधी जिंदगी गुजर गई है अगर बता देंगे तो इसमें क्या है क्यों कोई अच्छा कुछ भी नहीं होता है ऐसे लोगों की बातें हैं कुछ अच्छा नहीं लगता क्या जो उम्र गुजर उनका दिल नहीं करता क्या हम अपनी पसंद बताएं कि हाँ आपने पसंद शादी की थी। अब आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो बड़े शौक से बता रही थी हमने पसंद की लव मैरिज की है अगर हमारे अम्मी अबू बता देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा क्या अच्छा अम्मी की जो बारात थी ना वो रेडी पर लेकर आए थे बताया आपको ये भी बताया रेडी पम्मी को बिठा बैठी कहती होगी रेडी पतलू बैठी बैठी पहले उठा दे होती है वो उसको जो ऐसे पकड़ के उसका रस्सी को पकड़ के आगे वो कौन था आगे वो रेडी वाले होते आगे और आप कहाँ थे अभी आप मम्मी के साथ बैठे थे नहीं मैं उस पर ट्रक गया उठा दे बारात गई मेरी मासी थी आप ट्रक पे बैठते अम्मी साथ में बैठते नहीं ट्रैक्टर था बारात ट्रैक्टर पर गई थी वापसी पे मेहंदी गई थी मेहंदी लगाने के लिए नहीं जब बारात गई थी फिर किस चीज पे गई थी बारात ट्राली ट्रैक्टर पर गई थी। अच्छा जब मेहंदी लगाने के लिए गए थे तब आप साथ नहीं गए थे ऐसे नहीं अब मैं नहीं गया था लेकिन उस टाइम वो रेडे वाले गए थे तीन चार रेडे वाले बहुत मजा आता होगा ढोलकी वाली और आपस में कुछ पहले तक मैंने उठा नहीं दी बारात हम किसी की शादी करने जा रहे हैं ऊंट भी खुश होते थे जानवर बहुत समझदार जानवर ना हमें पैदा करते ना शादी करते आप लोगों ने सोने में देखा होगा तो इसलिए वैसे टाइम भी नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा अकेले चल जाते आप लोग बाहर का माहौल दिखा देती हूँ आप लोग दिखाती हूँ बाहर का देखे बाहर का माहौल कितना प्यारा बना हुआ है शाम के टाइम और वो देखो जहाँ जा रहा है वो देखें सामने वाह कितना प्यारा लग रहा है।
पता है कि शाम का टाइम हो गया है, मगरिब का टाम होने वाला है, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अंदर और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।